पीएम किसान योजना का ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च हो चुका है और इसी पोर्टल के बारे में आप लोग जरूर जान ले। फाइनली दोस्तों इस पे किसानों का लिस्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, तो क्या होने वाला है इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं किसान सम्मान निधि योजना या फिर पीएम किसान योजना के बारे में। मैं हूं अमर, आप देख रहे हैं टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा अनुरोध जरूर करूंगा यार, आप हमारे जिस भी वीडियो को देखते हो उसे कम से कम एक लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन उस लाइक से हमें काफी अच्छा लगता है, काफी मोटिवेशन भी हमें मिलती है। अगर आप चैनल पे नए हैं हो सके यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी अलाउ कर ले, ताकि आपका अमर भाई जो भी वीडियो दे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। सो फ्रेंड्स, किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानने के लिए आपको आना होगा सरकारीयोजना.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। भारत में इसे काफी अच्छे रैंक पे पढ़ा जाता है, काफी बढ़िया न्यूज यहाँ पे देता है, काफी जेन्युइन न्यूज भी यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च, देख पाएंगे अपना नाम। तो दोस्तों जो भी किसान किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना के अंतर्गत आते हैं उनका जो ऑफिशियल लिस्ट होगा वो इस पे डाल दी जाएगी, और किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो भी यहाँ पे एनआईसी का वेबसाइट आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट आया है, सारा अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जान लेते हैं कैसा इंटरफेस कुछ होने वाला है इसका। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ ऐसा इंटरफेस वेबसाइट का होने वाला है, इस प्रकार का कुछ होगा। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिखाऊंगा, पहले इस न्यूज के बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को लाभ देने के लिए किसान सम्मान निधि योजना को अंतिम बजट में लॉन्च कर दी, और इस योजना के लिए सरकार ने गुरुवार को एक पोर्टल भी बना दिया है। यानी कि दोस्तों इस पोर्टल को गुरुवार को बनाया गया है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं किसान सम्मान निधि योजना एनएसडीएल की ऑफिशियल पैन कार्ड की एजेंसी, अब आप भी ले सकते हैं। यहां से आपको पैन नंबर मिलेगा 3 दिन में, और पैन कार्ड बहुत ही आसानी से बहुत फास्ट आप बना सकते हैं। तो एजेंसी लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस एजेंसी की जो कीमत आएगी आपको 2000 रुपए की आएगी। पोर्टल यहाँ पे लिंक दिया गया है, सिंपली दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। पर किसान योजना से जुड़े नियम व शर्तें दिखाई गई है, यहां तक कि इस वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि कौन किसान इस योजना के दायरे में आएगा और कौन नहीं। किसान सम्मान निधि योजना को जल्द लागू करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां अपनी भूमिका तेजी से निभा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना 2019 के बारे में आप यहाँ पे पढ़ ले, यहाँ पे जानकारी आपको दी गई है। सारे किसानों की लिस्ट इस पोर्टल पर 26 फरवरी तक आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं बताया गया है जिसमें ऑनलाइन आवेदन करना है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया गया किसान सम्मान निधि टाइटल दिया गया किसान सम्मान निधि योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, और अंत में जाके कुछ और ही पता चलता है। तो मैं दोस्तों क्लियर आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी ऐसे किसानों को रखा गया है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, और दूसरा कैटेगरी ऐसे किसानों को रखा गया है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ऊपर की जमीन है। और अपडेट के हिसाब से यह योजना उसी किसानों को मिलेगा, यानी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। इस योजना के तहत 6000 रुपए किसानों को सालाना दी जाएगी, 3 किस्तों में राशि आएगी, 2000 रुपए की किस्ते में राशि दी जाएंगी। तो ऐसा कुछ इस योजना के बारे में अपडेट ऑफिशियल है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार किसानों को 6000 रुपए 3 किस्तों में दी जानी है। किसानों को 2000 रुपए की 3 किस्तें उनके खाते में सीधे दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को सूची पोर्टल पर डाल देने का आदेश दिया है। पोर्टल पर किसान नाम डालकर अंतिम तारीख 25 फरवरी बताई गई, यानी कि दोस्तों पोर्टल पर जो है राज्य सरकार को किसान का नाम डालने के लिए अंतिम तारीख 25 फरवरी की दी गई है, और 25 फरवरी के बाद कोई भी किसान इस पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर पाएगा। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे पढ़ सकते हैं किसानों के खाते में 28 फरवरी से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों इस योजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इसका डेट है 31 मार्च तक, लेकिन 26 फरवरी को जैसे ही इसका लिस्ट आ जाएगा तो 28 फरवरी से किसानों के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों इस योजना से जो भी लाभान्वित किसान होंगे उनको 28 फरवरी से उनके खाते में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों और भी पूरा अपडेट यहाँ पे दिया गया है सरकारीयोजना.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे आकर आप जरूर जान लें। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कुछ इंटरफेस होने वाला है
pmkisan.nic.in, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गाइडलाइन वगैरह के बारे में बताई गई है, पूरी गाइडलाइन वगैरह के बारे में आकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फ्रैंक्यूटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी टैब बनाया गया है, तो फ्रैंक्यूटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर भी आकर आप सारी बातों को जान पाएंगे कि किसको योजना का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको एक कैटेगरीज वाइज में बता दी योजना को किसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। और ऐसे दोस्तों यहाँ पे जल्द ही आपको यानी कि 26 फरवरी से यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके तहत किसान सर्च कर पाएंगे कि उनका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। अभी दोस्तों इस पे अपडेशन का कार्य चल रहा है। तो दोस्तों आप हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और सरकारीयोजना.com का लिंक आपको वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आकर आप पूरी जानकारी को ले लें। यहाँ पे दोस्तों बहुत कुछ बताई गई किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।